समापन होता, उसका पूर्णता को प्राप्त होता है। बड़े ही शानदार तरीके से खड़े हैं विश्वविख्यात विश्व का आत्मा आजोबा सेबल सचिन वापिस अपने कर्तव्य की ओर जाते हुए। तालियां थोड़ी और चाहिए दोस्तों, कम से कम हमारे इस रेगिस्तान के जहाज के लिए और उसको ट्रेन करने वाली ये बटालियन, ये बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल जो सदैव भारत की सीमा की सुरक्षा में रात और दिन लगा रहता है। तो लाइन में आते हुए जहां से आरंभ किया था, सवार द्वारा अपने दोस्त को अच्छे काम की शाबाशी कैसे दी जाती है तो ये आप देख लीजिए। एक एक आकृति भी बनाएंगे और आप खुद समझ जाएंगे, समझ आ जाएगा कि ये आकृति किसकी है। फिर से छोड़ पकड़ लिए हैं, फिर से अपने देवधार के स्थान पर हाथ में विजय पता है गुरु चेहरे पर। कई गोरबंद लिखे जा चुके हैं। दोनों तरफ से घेरा बनाते हैं। फिर से पंक्तिबद्ध होते हुए ये क्रॉसिंग चल रही है, इतनी दूर से लग रहा है कि कचरा टकरा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वही शानदार तालमेल है, वही शानदार इसको कहां से जाना है, कहां से मुड़ जाना है। सीमा के कठिन से कठिन कार्य में अंजाम देना हम सभी जानते हैं। यह हाफ कट आधा लेंगे मिशन भर्ती यात्रा के सुंदर नजारा जिससे आपके सामने दृश्य बनाते हैं। मैदान के बीच क्रॉसिंग इस तरह से भी ये संस्कार हमारे यहाँ के भी संगी साथी जिन हम पशु कहते हैं, लेकिन है ये हमारे साथी जीवन में अमित अंग है, जवानों का भी अंग है। फिर से अर्धगोलाकार रूप से मुड़े हर एक तरफ से एक अलग शेप बना है, उससे जुड़ चुके हैं बीच में आकर। अगर आपने नोट किया होगा जैसे बैंड बजती है वैसे ही एक कदम भी चल रहा है। लाल क्या धीरे हो रहे लाल गया लाल आगे गया महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं ऊंट बटालियन, क्या खास है इसमें और किस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है? देखो जी, सबसे पहले तो हम वहाँ पर घंटाघर से जो कैमल सफारी शुरू होती है तो मारवाड़ के जो टूरिज्म वाले वो इनविटेशन देते हैं, हमें निमंत्रण देते हैं, तो उनके निमंत्रण पर हम सीमा सुरक्षा बल का जो ऊँट दस्ता है कैमल कंटीजन जो ट्रेनिंग सेंटर STC में रहता है वो यहाँ पर आता है, पहले कैमल सफारी करता है, उसके बाद में जो उमेद स्टेडियम है इसके अंदर जो हमारा ट्रेनिंग का शो होता है वो हम अभी शो करेंगे। तो इस शो के अंदर विभिन्न मुद्राएं होती है, विभिन्न चीज़ें बनाई जाती है, तो वो आप कमेंट्री के अंदर देखेंगे और आप उसको महसूस करेंगे। क्या खास है ऊँट दस्ते में? ऊँट दस्ता का जैसे सबसे बड़ी चीज़ आपने यदि 26 जनवरी कर्तव्य पथ के ऊपर ऊँट को देखा होगा, पेड़ देखा था, तो ये यहीं से जोधपुर से ही जाता है कैमल कंटीजन। इसके साथ माउंटेन बैंड भी होता है और ये दोनों दस्ते विश्व में मात्र एक ही है जो कि परेड करते हैं और बैंड उसके ऊपर बजता है। और इसके अलावा भी ये विभिन्न जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ आते हैं तो जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है ये बुलाती है, जैसे ट्रंप आया था तो पहले जहाँ पर भी UN सेक्रेटरी आया था, तो अलग अलग जगह पर महसाणा में गया था, अहमदाबाद गया था, दिल्ली गया था, और अभी भी कोई भी ऐसा आता है तो हमें बुलाया जाता है। तो पिछले साल बीकानेर के अंदर जो हुआ था सांस्कृतिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति महोदय श्री मुर्मू जी आए थे, वहाँ पर गए थे। तो सैनिक का दर्जा भी दिया है? नहीं, बोले सैनिक का दर्जा तो नहीं है पर वो सैनिक के से कम नहीं है, क्योंकि हमारा डेजर्ट के अंदर देखोगे अभी इसका मुख्य भूमिका है। आप जैसलमेर का डेजर्ट देखा होगा, कई ऐसा डेजर्ट है, कई सैन ड्यून है जहाँ पर गाड़ी जा ही नहीं सकती, वहाँ पर ये हमारे बहुत काम आता है। और वैसे हमारा ये अभिन्न अंग है और हमें कदम से कदम हम हर जगह पर हमें ये काम आता है, ड्यूटी से लगा कर सब जगह। मेरा नाम मनोहर सिंह खींची है, मैं जोधपुर का ही रहने वाला हूँ। पास मेरे इंद्रो का गांव है और मेरी शिक्षा चौपासनी स्कूल के अंदर हुई है। जब तक अब मैं 88 दिसंबर में एज ए सब इंस्ट्रक्टर आया था, अभी मैं डिप्टी कमांडेंट हूँ। अमगणी उगम, मैं नरसिंह चौहान। मैं ये राजस्थान में जो अपने कई जगह जो मेले लगते हैं जैसे मूसक है, मैं कई जगह जाता हूँ। कई जगह से मैं मतलब अपना जो वो ये ट्रेडिशन देता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ और मैं कई जगह से अवार्ड ले रखा है। और ये जो राजस्थान के जो पेन पहनाव है, मूछों का जो बढ़ावा है, ये राजस्थान की पहचान है और राजस्थान का बढ़ावा देता है। राजस्थान का बढ़ावा देने के लिए हम ये जो मेले लगते हैं जैसे जहाँ भी राजस्थान में जाते हैं वहाँ हम जाते हैं और अपनी मूँछों का जो प्रदर्शन करते हैं, मूँछों का प्रदर्शन करते हैं और इसको बहुत ही साल संभाल के हम रखते हैं। हमारा अगर एक बाल भी टूट रहा है तो हमारा बहुत ही जो दिल दुख पाता है और हम एक बच्चे की तरह इनको पालते हैं। मूँछों को बहुत साल संभाल करके रखते हैं हम। और जहाँ ये राजस्थान की बहुत बड़ी पहचान है और गर्व से हम जीते हैं कि हम राजस्थान के हैं। हम ऐसे मूँछें रखते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम ये संभाल के रखते हैं इनको। और ये मेरी 4 फीट लंबी मूछ है और मैं 4 फीट मेरी कई बार नाप चुके हैं और मेरे कबाड़ मैंने कई बार अवार्ड ले रखे हैं। पुष्कर से ले रखे हैं, यहाँ से जोधपुर से, राणकपुर से, जैसलमेर से, मतलब कई जगह से मैं कई जगह से मतलब अपने ये पार्टिसिपेट कर रखी मैंने और कई जगह से मैंने अवार्ड लिए है। ठीक है सर, ये बाकी सर ये हमारी पहचान है ये राजस्थान की। तो मेरा नाम नरसिंह चौहान है, पाली। हमारे 2 दिवसीय मारवाड़ फेस्टिवल का आगाज आज सुबह सूर्य आराधना के साथ मेहरानगढ़ फोर्ट से हो चुका है। हेरिटेज वॉक और शोभा यात्रा करते हुए हम यहाँ पे उमैद स्टेडियम में एकत्रित हुए हैं। उमैद स्टेडियम में हमारा जो मेन आकर्षण है ये बीएसएफ का कैमल टेटू शो है। उसके बाद में यहाँ पे कई प्रकार के एंटरटेनिंग कॉम्पिटिशन्स रहेंगे और इसी प्रकार शाम को कल्चरल इवनिंग अशोक उद्यान के एम्फी थिएटर में रहेगी। 2 दिवसीय प्रोग्राम के अंतर्गत कल का हमारा जो भी प्रोग्राम है सारा ओशिया के धोरों पर रहेगा। वहाँ पे भी शोभा यात्रा, कैमल सफारी और शाम को कल्चरल इवनिंग होगी। उसके बाद में भव्य आतिशबाजी से समारोह का समापन किया जाएगा। धन्यवाद।